तो बात करिए हालोल नहीं तो पंचमहाल ना हालोल में ईद उल फित्र की उजवणी करवामां आवी जहाँ मुस्लिम बिरदारों पाठवी एकबीजा ने शुभेच्छाओं तेरे ईद ने विशेष नमाज अदा करवामां आवी जहाँ विश्व में एकता अने भाईचारो जलवाई रहे ते माटे प्रार्थना पण करवामां आवी। तो कही शकाय के समग्र भारत में जे ईद की उजवणी करवामां आवी रही छे त्यारे दरेक जग्याए जे कही शकाय भाईचारानो प्रतीक एवा रमजान ईदनी ठेर ठेर उजवणी करवामां आवी रही छे। ज्यारे रमजान ईदमां जे नमाज पढ़ीने ईदनी उजवणी करवामां आवी रही छे त्यारे पंचमहालना हालोलमां पण ईद उल फित्रनी उजवणी करवामां आवी त्यारे मुस्लिम बिरदारोए एकबीजाने गळे मळी शुभेच्छाओ पाठवी हती जहाँ ईदनी विशेष नमाज पण अदा करवामां आवी हती। त्यारे विश्वमां एकता अने भाईचारानो प्रतीक छे आ तहेवार त्यारे विश्वमां एकता अने भाईचारो जळवाई रहे ए माटेनी प्रार्थना पण करवामां आवी। यक शव्वाल अल मुबारक के मुबारक दिन में आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए हालोल ईदगाह में आज तमाम मसलक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक के तमाम हज़रात ने ईदुल फ़ित्र के मौके पर हाज़िरी दिया और मदीना शरीफ जाने वाले तमाम हाजियों को गुलपोशी से नवाजा और हमारे जनाब हज़रत सैयद पीर सैयद अमीरुद्दीन बाबा के पीछे अदा करें। अल्लाह तबारक व ताला तमाम मुसलमानों को खैर फरमाए और हिंदुस्तान में अमन व अमान अता करें और हमारे हिंदुस्तान में भाईचारगी और एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला करें और हमारे मुल्क पर कोई ऐसी नज़र न डाले। तमाम मुसलमानों ने इस्लाम से आज मैं गुजारिश करता हूँ कि आप एक रहे, सबके साथ मिलकर रहे और साथ साथ में हमारे हिंदुस्तानी होने का हमें पैगाम भी देते रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुलें हैं हम उसकी वो गुलशिता हमारा, यूनान मिस्टर रूमा सब मिट गए।